बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब बच्चे अच्छे हैं और खैरियत से ही हैं। आज हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 12 की तरफ। यहाँ पे आपका टॉपिक है कोशेंट लॉ। कोशेंट, कोशेंट कैसे आता है? कोशेंट मीन आंस होता है। कोशेंट हमेशा दो अमाउंट्स का डिवाइड करने से कोशेंट आता है। अब आप मल्टीप्लाई करने से ये नहीं कहते हम दो अमाउंट आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा तब भी आंस आता है, तो वो भी कोशेंट है। कोशेंट हमेशा डिविजन फॉर्म में होता है क्योंकि क्वेश्चन के साथ एक वर्ड आपका आता है रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे आपका यूजिंग फार्मूला से हम काम कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब आप यहाँ पे अप्लाई करें क्वेश्चन ला। कल जो हमने काम किया था उसमें था आपका प्रोडक्ट ला, उसमें भी टू थे फार्मूला। उसमें ये था कि वेन बेस सेम, एक्सपोनेंट डिफरेंट एंड वेन एक्सपोनेंट डिफरेंट एंड सॉरी वेन एक्सपोनेंट सेम एंड बेस डिफरेंट। आज हम अपने क्वेश्चन लॉ में वही बात को करते हैं, सेम वही प्रोसेस है, लेकिन जब कल आपने मल्टीप्लाई यूज किया था वहां पे डिवीजन यूज करेंगे। पेज नंबर 51 पे है वेन बेस सेम बट एक्सपोनेंट डिफरेंट। फर्स्ट पहले लॉ है कि बेस आपके पास सेम है और आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, लेकिन बात हमारी यहाँ पे क्वेश्चन की हो रही है तो आपने डिवाइड करना है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए ओवर ए, ये भी तो आपका डिवाइड का साइन ही शो करता है, ए इस पावर एम और ए इस पावर एन। आपने जब आप मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करते हैं तब आप देखते हैं कि जब हम दो अमाउंट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो लास्ट पे हम उसको प्लस करते हैं। जब आप डिवाइड के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो अमाउंट को जब रिमाइंडर लेके आना होता है, रिमाइंडर हमेशा से आती है, सब्ट्रैक्ट करने से रिमाइंडर आती है। ये मल्टीप्लाई और ऐड की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, डिवीजन और सब्ट्रैक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। इसलिए ये बेस सेम ए एंड ए और आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, तो ये आ जाता है ए इज पावर एम माइनस एन। ये आपके पास फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट में से सेकंड वाली अमाउंट को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेकंड वाला रूल इसका ये है कि जब आपके पास बेस डिफरेंट हो जाती है, बेस आपके पास डिफरेंट हो जाती है तो ये इधर ये नहीं लगाना, बल्कि ये क्वेश्चन का रूल पढ़े डिवाइड लगाना है, यानी बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट सेम। बेस डिफरेंट ए एंड बी दो डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है एक्सपोनेंट सेम है, तो ये ए और बी इस फॉर्म में है तो ये वन इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा। ये दो फार्मूलाज आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। कल यही दोनों सेम थे बट यहाँ पे प्रोडक्ट था और यहाँ पे ऐड था, ये भी यही सेम था, यहाँ पे प्रोडक्ट था और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। आज हमारे पास कोशेंट है, यानी कोशेंट में डिवाइड का लॉ हमने करना है, डिवाइड लगाना है, डिवाइड में ये सब्ट्रैक्ट होता है और ये डिवीजन आपस में इस तरह से हो रहा है। ये पहले वाले का नेम याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, वेन बेस सेम एक्सपोनेंट डिफरेंट, और नीचे चार ऑप्शन दिए होते हैं, आपने उसमें से जो करेक्ट फार्मूला होता है उस पर आपने टिक लगाना होता है। दूसरे वाले का ये है वेन बेस डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट सेम, इसके भी नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, फिर ऑप्शन पे आप जो ऑप्शन आता है आपका उस पर टिक लगाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.3 की तरफ। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और ये आपने एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करनी है। सबसे पहले में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें, यानी सिंप्लीफाई करें। जब आपके पास पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है 2 इज पावर 7 डिवाइड 2 इज पावर 2, सबको नजर आ रहा है, सबको पता चल रहा है कि बेस सेम हो गई है, आपने इस तरीके से सॉल्व लिखना है। जब भी मैथ का काम करते हैं बेटा आप लोग हमेशा जो है ना वन लाइन छोड़कर काम किया करें, इस तरह आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है ना क्वेश्चन की बहुत अच्छी होती है। आपने यहाँ पे लिखा है कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि 2 इज पावर 7, सॉरी पहले आपने फार्मूला लगाना है, बेस सेम है ए पावर डिवाइड ए, बेस सेम है, एक्सपोनेंट चेंज है,
m एंड n, तो ये हो जाता है a इज पावर m माइनस n। आपने यहाँ पे लिखना है कि आप हम अपना कर रहे हैं यूजिंग फार्मूला कर रहे हैं हम अपना, कौन सा यूजिंग फार्मूला है, ये वाला है, यानी 2 इज पावर 7 माइनस 2, बेस सेम है, पावर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है 7 में से 2, तो आपका आ जाता है 2 इज पावर 5। ये आपके पास सिर्फ क्वेश्चन है, आपने हर वो क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगाना है जहां पे आपकी बेस सेम आ रही है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड वाला है, वहां पे -9 और -9 है, यानी -9 -9 बेस सेम हो जाएगी। एक्सपोनेंट है 11 एंड 8, 11 में से आप 8 निकालेंगे बाकी आपके पास 3 आ जाएगा। ये आपने पहले वाला फार्मूला वो इस तरीके से आपने यूज करना है। अब जो दूसरे वाला है वो हम कैसे यूज करें कि जब आपके पास बेस ही डिफरेंट आ जाए और एक्सपोनेंट सेम हो जाए, बेस डिफरेंट और एक्सपोनेंट सेम। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपके पास है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इज पावर, थर्ड वाला ये 3 इज पावर 4 डिवाइड 5 इज पावर 4। अब देखिए बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट सेम, फिर आपने इसका ये लिखना है कि वी नो दैट के a इज पावर n डिवाइड b इज पावर n, यानी कि बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट सेम इक्वल आ जाता है a ओवर b इज पावर n। तो आपने फिर वो यहाँ पे यही लिखना है कि यूजिंग फार्मूला, फार्मूले के मुताबिक यानी फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए 3/5, यानी कि ये 3 है ये 5 है, a एंड b की फॉर्म में आप अगर लिख लिया n, तो ये इतना n नहीं लिखना बल्कि यहाँ पे पावर है 4, ये बस आपने इतना सा सॉल्व करना है। ये वो क्वेश्चन है जहां पे आपका आ रहा है कि बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट सेम, ये आपने हर वो क्वेश्चन में यूज करना है जहां पे आपकी बेस डिफरेंट और एक्सपोनेंट सेम है। नेक्स्ट वो कह रही है कि प्रूव दैट, आपने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है और राइट हैंड साइड का आपका आंसर आना चाहिए। उसमें भी आपने यही फार्मूलाज यूज करने हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रूव दैट के मुताबिक, वो अगर हम यही फार्मूलाज को यूज करेंगे तो क्या वो हमारे पास ठीक है या नहीं। एक हम करते हैं बेस सेम वाला और एक हम करेंगे एक्सपोनेंट सेम वाला। सबसे पहले हम करते हैं बेस डिफरेंट वाला कर लेते हैं। पहला लिखा हुआ है 2 इज पावर 4 डिवाइड 7 इज पावर 4 इक्वल 2 ओवर 7 इज पावर 4। आपने साल लिखा, साल के नीचे आपने लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड, आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही साल करना है, राइट हैंड साइड जैसा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है कि वी नो दैट, वी नो दैट बेस डिफरेंट है ए इज पावर एन डिवाइड बी इज पावर एन, ए ओवर बी इज पावर एन, यानी कि यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड पे पहले अमाउंट है 2 इज पावर 4 डिवाइड 7 इज पावर 4, 2 ओवर यूजिंग फार्मूला के मुताबिक 2 ओवर 7 इज पावर 4, तो ये आपका राइट हैंड साइड जैसा आंसर है। सो आपने ये कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये तो आपने वो क्वेश्चन किया है जिसमें आप लोगों की क्या हो रही है, बेस डिफरेंट हो रही है, एक्सपोनेंट सेम हो रहा है। अब हम करते हैं कि यहाँ पे हमारी आ जाती है बेस सेम और एक्सपोनेंट डिफरेंट आ जाता है, उसको प्रूव दैट कैसे करते हैं। आपके पास वो क्वेश्चन है -21/22, ये सेकंड लास्ट है आपके पास क्वेश्चन 5। यहाँ पे लिखा है -21/22 इज पावर 7 डिवाइड, आगे लिखा हुआ है -21/22 इज पावर 3 इक्वल, नेक्स्ट लिखा हुआ है -21/22 इज पावर 4। इसमें बेस सेम एक्सपोनेंट डिफरेंट, आपने फिर वही लिखा है कि सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, आपने लिखा कि
वी नो डैट। हर क्वेश्चन में आपने हर फार्मूला यूज करना है, चाहे ये क्वेश्चन ये फार्मूला ये इस क्वेश्चन का फार्मूला आगे से दो तीन क्वेश्चन में भी यूज हो रहा हो, लेकिन आपने लिखना हर क्वेश्चन के साथ है। या आपने आपने लिखा कि a इज पावर m डिवाइड a इज पावर n a इज पावर m माइनस n, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे अमाउंट है माइनस 21 ओवर 22 इज पावर 7 डिवाइड माइनस 21 ओवर 22 इज पावर 3। वही आपने के हम कर रहे हैं यहाँ पे यूजिंग अपना फॉर्मूला कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपने लिखा बेस सेम एक्सपोनेंट डिफरेंट माइनस माइनस 21 ओवर 22 7 माइनस 3 यानी m माइनस n, तो आपके पास आ जाता है माइनस 21 ओवर 22 और यहाँ पे आ जाता है 4 यानी 7 में से 3 4, तो ये इक्वल है आपके राइट हैंड साइड के। सो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वो है आपके राइट हैंड साइड के। अब आपने अपना क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। मैं आपको फिर दोबारा से एक दफा बता रही हूँ कि इसमें क्वेश्चन लॉ में हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। एक ये है कि जब आपकी बेस सेम होती है और एक्सपोनेंट डिफरेंट होता है, दूसरी आपने पढ़ी थी जब आपकी बेस डिफरेंट होती है और एक्सपोनेंट सेम होता है। इन दोनों फार्मूलाज को यूज करते हुए आपने इस अपनी इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है नोटबुक के ऊपर। इसके साथ हम इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।